खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर गुरुवार शाम करीब 8 बजे थाना रजापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपली दाऊदपुर थाना रजापुर में एक महिला अपने घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने के कारण मकान की छत गिरने से एक महिला व उसके 3 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनको थाना पुलिस द्वारा तत्काल उचित उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमरोहा व जिलाधिकारी अमरोहा द्वारा घटना का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, तदुपरांत महोदय द्वारा जिला अस्पताल अमरोहा में पहुंचकर घायलों से मुलाकात की गई। चिकित्सकों से घायलों को दिए जा रहे इलाज की जानकारी को लेकर समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज शाम लगभग 8 बजे 8:30 बजे के आसपास ग्राम पिपली दाऊद में खाना बनाते समय एक मकान में गैस लीक हो गई थी, ऐसा प्रतीत होता है, जिसकी जांच की जा रही है। तो उसमें ब्लास्ट कर गया, इससे छत गिरने से उस परिवार में एक तो महिला, क्या नाम, सविता देवी और उसके 3 बच्चे, ये 4 लोग घायल हो गए और जिनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। और महिला, जैसा CMO साहब बता रहे हैं कि वो 20-25% तक जली है, बाकी एक बच्चा 20% जला हुआ है और 2 लोग को चोट लगी, एक का फ्रैक्चर हो गया है। तो हम लोग पूरी तरह से उसका इलाज करा रहे हैं और जो भी इनकी सहायता हो सकती है, चूँकि छत गिर गया, मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। और पूरा हमारी टीम डॉक्टर्स की लगी हुई है, जिससे जल्दी से जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो सकें और अपने घर जा सकें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।